फ्रेंड्स, मैं सैफ अनुजैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एटीजी 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए नई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड की गई है। आप अगर सोसाइटी, एनजीओ या फिर कोई भी ट्रस्ट है, आपके पास ऑलरेडी एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन है या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं या फाइनल रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आप अभी से इनकी तैयारी कर लीजिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है। किसी भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो ये 100% वैलिड रहेगी। इसमें काफी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की गई है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं 12A के लिए भी और 80G के लिए भी। कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, यहां पर मैं वन बाय वन आपको ब्रीफ करने वाला हूं। एक कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू योर सोसाइटी ट्रस्ट, यहां पर सोसाइटी में सब चीजें आप इंक्लूड करके चलिएगा, ठीक है। जो भी आपके पास अगर ओल्ड रजिस्ट्रेशन था, आपने न्यू में कन्वर्ट किया है, तो वो भी यहां पर आपको अटैचमेंट्स लगानी है। ए नोट स्पेसिफाइंग द मेन एरिया ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी एंड ए प्रोजेक्शन, ध्यान से देखिएगा क्या चीज रिक्वायर्ड की गई है। प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्लान फॉर द मेन चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी टू बी अंडरटेकिंग इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है फाइनल रजिस्ट्रेशन भी अब नए लॉ के हिसाब से केवल 5 ईयर्स के लिए ही वैलिड है। इसके लिए स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, सीएफ अनुजैन के नाम से चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। इसमें मैंने पूरे के पूरे सारे फॉर्म्स को ब्रीफ किया हुआ है, ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, अलग अलग क्लोज में बताया हुआ है कि जब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन इनके फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना है तो 10A भी भरना है, और जो 10A फॉर्म आता है उसके थ्रू आपके पास एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जो कि 3 साल तक वैलिड रहता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर ब्रीफ नोट की रिक्वायरमेंट की गई है कि आपको एक ब्रीफ नोट तैयार कर लेना है कि आपकी मेन एक्टिविटीज क्या रहने वाली है और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए क्या प्रोजेक्शन प्लान है। ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट सेम एज इट इज हैं जैसे पुराने लॉ में हुआ करते थे। फिर अगला है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस फ्रॉम विच यू आर ऑपरेटिंग अलोंग विद प्रूफ ऑफ हिज ओनरशिप। तो जहां से आपका ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ वर्क कर रहा है, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसके ओनर से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टैम्प पेपर पर होना जरूरी है और नोटरी होना जरूरी है विद ओनरशिप प्रूफ, मतलब जो भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ओनर के पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वो आपके पास होना जरूरी है। प्लीज फाइल एन अंडरटेकिंग, एक आपको स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाना है अंडरटेकिंग में दैट देयर विल बी नो इन्फ्रिमेंट टू द फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन 2 जो है इनकम टैक्स में डेफिनेशन के लिए है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, ऐसी आपको एक अंडरटेकिंग तैयार रखनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट परफॉर्मा है, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जहां पर डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी। अगला है डिक्लेरेशन दैट नो पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनी अनसियोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी जो है किसी भी तरह से आप कोई भी उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करने के लिए, ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब यह है। एंड नो पार्ट ऑफ द इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी वाज एवर यूज्ड और अप्लाई फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13(1) सब क्लोज नंबर सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ट्रस्ट या एनजीओ के थ्रू जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे, जरूरी नहीं है इस पर सभी ट्रस्टी या सेटलर के साइन होना रिक्वायर्ड है। प्लीज सबमिट ए कंफर्मेशन दैट नन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट डीड, MOA, AOA या फिर जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, इसके थ्रू आपका जो है ट्रस्ट, एनजीओ कॉन्स्टिट्यूट किया गया है या इनकॉर्पोरेट हुआ है, और एनी अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड, ध्यान से देखिएगा, ट्रेड एक्टिविटी के लिए आपसे कंफर्मेशन ली जा रही है यहां पर कि आप इसमें कोई बिजनेस या कॉमर्स के लिए रन नहीं कर रहे हैं, प्योरली चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर कंबाइंड है। अगला है सर्टिफिकेट टू द फैक्ट दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ हैज बीन कंप्लाइड विद विच आर एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी। अगला है प्लीज फर्निश टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द SSC, ध्यान से देखिएगा, जो भी उसके ऑथराइज्ड पर्सन है उनके भी टेलीफोन ईमेल एड्रेस और जो आपका ट्रस्ट या सोसाइटी है उसके भी जहां पर कम्युनिकेट किया जा सके। तो यहां पर कहने का मतलब है जितने भी पर्सन ट्रस्ट में ऑथराइज्ड हैं या फिर बेनिफिशियल ओनर हैं, जो भी मेन मेन पर्सन हैं, उन सब के आपको एक लिस्ट बनानी है, डायरेक्टरी वहां पर उसको प्रोवाइड करनी है लिस्ट के रूप में। बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि डिपार्टमेंट से ही रिक्वायर्ड की गई है। प्लीज कोट द ऑर्डर नंबर ऑफ द लास्ट रिजेक्शन ऑर्डर। तो ये सबके केस में अप्लाइड नहीं है, जहां पर आपने अप्लाई किया था पुराने लॉ में या इससे पहले कभी और वो रिजेक्ट हो गया था,
तो वो आपको यहाँ पर देना है, और वो भी लगाना है कि क्यों रिजेक्ट किया गया था, क्या रीजन है, क्योंकि जब भी रिजेक्शन होता है उसका एक ऑर्डर पास किया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्लीज स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ चैरिटेबल पर्पज प्रोवाइड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने बताया था उसकी डेफिनेशन में आप एक बार रीड कीजिएगा, इन विच योर केस फॉल्स, दैट इज वेदर योर ऑब्जेक्टिव, इसमें से स्पेसिफाइड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, मैं इनको रीड नहीं करूंगा। इसमें जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली आपसे टिक करवाया जाता है कि आप किस में लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। प्लीज सबमिट ए नोट ऑन एक्टिविटीज कंड्यूस इन सिंस इंसेप्शन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर और ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। तो नोट ऑन एक्टिविटी अलग से प्रोवाइड करना है टिल 30 सितंबर 2022। तो जबकि मैं अभी लास्ट बता रहा हूं, तो आप जैसे ही ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे उससे प्रीवियस 3 मंथ्स तक का आपको ये तैयार करके रखना है। प्लीज प्रोवाइड ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, ये कंपनी के इसमें होते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सेक्शन 8 अगर आपकी कंपनी है तो। अगर आपने कोई FCRA का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो भी, और अगर कोई स्कूल हॉस्पिटल इस टाइप की चीज आप रन कर रहे हैं तो जो भी गवर्नमेंट बॉडी से आपके पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी भी यहां पर आपको अटैच करनी है। जहां पर ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि जो भी ट्रस्ट या फिर NGO है उनके जो भी ऑथराइज पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, सबकी जो है टेलीफोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो पॉइंट यहां पर इन्होंने फिर से रिपीट किया है। उस वाले केस में केवल जो है ट्रस्ट या NGO का एक या दो भी पर्सन जो है उनके लिए, बाकी यहां पर सभी के नेम यहां पर आपको एक कंप्लीट लिस्ट बनाकर प्रोवाइड करनी है। अब उसके बाद अब दोबारा से यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो कि फर्दर ऐड किए हैं ऑफिसर ने। प्लीज जस्टिफाई योर क्लेम फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A, बाकी आगे सबसेक्शन क्लोज लिखी हुई है। इसी तरह से सेम 80G के लिए भी प्रोवाइड करने हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स। देखिए इसमें भी सेम यही लिस्ट है, नोटिस के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड किए गए हैं। बाकी सारी चीजें रिपीट की है, बट यहाँ पर जो क्लोज है सेक्शन है यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया है जहां पर भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने सिंगल अप्लाई किया है तो भी ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अगर आपने दोनों एक साथ किए हैं 12A 80G तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। नेक्स्ट है प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन बाय द ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंड टिल, जो भी मैंने आपको बताया 3 महीने पहले तक के आपको सारे यहां पर देना है स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अगर 3 ईयर्स हो चुके हैं उससे पहले की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 3 ईयर्स से कम हुए हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, नए एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट उस केस में जितना आपके पास अवेलेबल है स्टेटमेंट उतनी आपको लगानी है। फिर उसके बाद प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ डोनेशन, देखिए फिर दोबारा से यहां पर डोनेशन मांगे गई है लास्ट 3 ईयर्स के, डोनी के नेम, पहले सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, पैन नंबर, डेट, किस दिन उन्हें आपने रिसीव किया है आपके ट्रस्ट ने, अमाउंट, मोड क्या था, कॉर्पस था या नॉन कॉर्पस था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लीज प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंड टिल 30 सितंबर 2022, ऑब्लिक सिंस इंसेप्शन, वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ ITRs फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंड फॉर्म 26AS, डिटेल्स ऑफ रिम्यूनरेशन, रिइंबर्समेंट इफ एनी ड्रॉन बाय ट्रस्टी मेंबर डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग वैलिड है, अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी, डिटेल्स ऑफ बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम। देखिए पहले तो जो मेंबर ट्रस्टी या डायरेक्टर्स है उनकी डिटेल्स रिक्वायर्ड है, फिर वो क्या बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी डिटेल्स आपको देनी है और उनके ID प्रूफ यहां पर लगाने हैं। फिर उसके बाद जो व्हीकल्स है या फिर यहां पर कह सकते हैं कि इन्होंने फिक्स एसेट्स की डिटेल्स भी रिक्वायर्ड की है, अब यहां पर व्हीकल्स लिखा हुआ है, बाकी जो अगर आपकी बैलेंस शीट में जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनकी भी यहां पर डिटेल्स ही मांग सकते हैं, डिटेल्स ऑफ व्हीकल्स ओन बाय ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी अलोंग विद ओनरशिप प्रूफ। फिर उसके बाद जो है देखिए यहां पर आप देखते रहिए कितनी यहां पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की गई है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन एंड ऑल्सो फर्निश द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज बिल्स, वाउचर्स, फोटोग्राफ्स, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ETC टू सबस्टेंटिटेट द चैरिटेबल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय यू इन पास्ट 3 ईयर्स एंड टिल 30 सितंबर 2022। इन द एब्सेंस ऑफ सच सफिशियंट एविडेंस इट विल बी हेल्ड दैट यू हैव नॉट कैरिड आउट एनी चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो सारे पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में लिख दिया है कि अगर सारे आपके पास बिल्स, वाउचर या फिर अगर हम डायरेक्टली कहें तो जो भी इनवॉइसिस, एक्सपेंस के इनवॉइसिस
आपसे रिक्वायर्ड किए गए हैं जो भी आपने अपनी आईटीआर में बैलेंस शीट में वहां पर शो किए हैं। तो ध्यान रखना है जब भी आप ये प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे एक बार मैच कर लीजिएगा डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं, इनके लिए आप तैयारी कर लीजिए। फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आप लेने जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी ही होगी। इसके बिना अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस रह जाता है तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं चैनल की तरफ। चैनल पर काफी सारे इसी तरह के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे, और जो भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं वो ट्रस्ट एनजीओ सोसाइटी हो या फिर कोई भी एंटिटी हो उसके लिए इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड वो सारे वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आपको अगर स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो आप जाकर चैनल पर एक बार व्यू कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।